नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित वार्डो के 6 स्थानों में बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक शिव नारायण सिंह ने सीसी रोड एवं नाली निर्माण का भूमि पूजन किया। विधायक शिव नारायण सिंह के द्वारा नगर के विकास को लेकर गति प्रदान करते हुए नगर के विभिन्न वार्डो में सीसी रोड एवं नाली निर्माण के कार्य का भूमि पूजन किया गया, जहाँ विधायक ने वार्ड नंबर 4 में पवन सिंह के घर से लेकर मोविन के घर तक सीसी रोड का भूमि पूजन एवं बंगाली मिस्त्री के घर से लेकर लाल काली के घर तक सीसी रोड का भूमि पूजन और 1 से यूम पाइप कन्वर्ट निर्माण कार्य, कलेक्ट्रेट कॉलोनी रिवर रोड एवं कालरी स्कूल के मध्य सीसी रोड का निर्माण कार्य, मुन्ना पंडा के घर से लेकर बाबू परासी के घर तक सीसी रोड का भूमि पूजन एवं पवन सिंह के मकान से लेकर अग्रिम भट्ट के घर तक सीसी रोड नाली निर्माण भूमि पूजन एवं मेन रोड से राजेंद्र बर्मन के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। परिवार के जगदीश बिल्डिंग से लेकर राम मंदिर तिराहा तक और मकरंद गुप्ता के घर से लेकर संदीप किराना स्टोर तक सीसी रोड निर्माण कार्य भूमि पूजन किया गया, जहां वार्ड क्रमांक 9 में जीएल होंडा के पास से लेकर पुराने सीसी रोड तक सीसी रोड निर्माण कार्य एवं वार्ड क्रमांक 12 में केपी मुन्ना के घर से लेकर भूपेंद्र सिंह के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन और वार्ड क्रमांक 13 सिंगल टोला में रैदास के घर से लेकर रामायण के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं सुरेंद्र पटेल के घर तक किया गया। वही विधायक श्री नारायण सिंह कहा कि विकास हमारी पहली प्राथमिकता है, जहां विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। वही नगर पालिका सीएमओ शशि कपूर गढ़पाले ने बताया कि विधायक जी के द्वारा हमारे नगर पालिका क्षेत्र में सीसी रोड नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है, जिसे समय रहते ही जल्द पूरा किया जाएगा। वही नगर में भूमि पूजन के दौरान बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह, राकेश शर्मा, अरविंद बंसल, शंभूलाल खट्टर, धनुषधारी श्री दीपक छतवानी, अतुल जैन, बाबूलाल भीमानिया, द्वारिका सचदेव, ओपी वर्मा, हरि गुप्ता, संतोष एवं दिनेश पांडे सहित नगर के गणमान्य नागरिक एवं नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकारगण उपस्थित रहे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। और जहां हमारे नागरिक बंधु रहते हैं, जो गरीब हो या किसी भी समुदाय के लोग हो, उनको स्वच्छ पानी और सुंदर सड़कें और उस नगर में उस जगह पर सुव्यवस्थित रोशनी हो, लाइट हो, विद्युतीकरण, इस ओर हमारी सरकार पहल कर रही है और बहुत जल्द ही अभी पुल पुलियाएं बन रही है, नाली बन रही है। इसके बाद जैसे आने वाले समय में चुनाव होगा और आप सबका आशीर्वाद होगा तो आपकी ही परिषद बनेगी। जब आपकी परिषद बनेगी तो जितना अभी 5 वर्षों में हुआ है, इन 5 वर्षों में जो विकास हुआ है उमरिया नगर का, इन 56 वर्षों में उमरिया नगर का विकास कभी नहीं हुआ। ये सड़क जो बनी है, ये बाजू जो सड़क बनी है, माननीय स्वर्गीय श्री दलपत सिंह जी जब सांसद थे तब उन्होंने इस सड़क का निर्माण कराया। तो सोच है जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, कार्यक्रम में अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाने का। विधायक भैया के कारण से हमारी इस भूमि पूजा सड़क का निर्माण हुआ, उसमें लोगों को बहुत फायदा होगा। भूमि पूजा हमारे विधायक जी के द्वारा किया गया, हम सभी बाढ़वासी उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अच्छी सोच रख करके उमरिया नगर को आगे बढ़ाने की कल्पना की, साफ सुथरा रखा जाए और नगर में रोड की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, हमारे वार्ड की साफ सफाई की व्यवस्था पर उन्होंने गौर किया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक सम्मानी लल्लू भैया को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और प्रशासन से ये अपेक्षा करती हूँ कि तत्काल इन कार्यों को अच्छे से कराया जाए, जिससे हमारा वार्ड नंबर 4 अच्छा हो सके। बहुत सारे गड्ढे हैं, नाली नहीं बन पाई है, लोगों को अव्यवस्था हो रही है। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक अच्छी पहल होगी भारतीय जनता पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर गौर किया है। जिला उमरिया हमारे बांधवगढ़ है क्षेत्र के विधायक शिव नारायण के द्वारा सभी कॉलोनियों में उमरिया शहर के अंदर में जा जाकर भ्रमण किया गया। और जहां रोडों की व्यवस्था नहीं रही, वहां नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी, जिला प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी सभी विधायक के साथ रह करके अब भूमि पूजन किया है। भविष्य में सभी कॉलोनियों में आने जाने की जो समस्याएँ थी, रास्ताओं की समस्याएँ थी, वो समाधान होगी। और इसी तरह से अभी जिस क्षेत्र को बाकी है उसको भी करने के लिए प्लान किया है। विधायक शिव नारायण जी के द्वारा ये कार्य
हमारे जिले के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है और बहुत ही नगर पालिका के लिए धन्यवाद है, सभी को धन्यवाद है। वार्ड नंबर 6, 4 और 7 का ये जो सड़क गई है, ये वर्षों से इसकी बहुत प्रतीक्षित मांग भी थी यहाँ के वार्डवासियों की और लगातार जनप्रतिनिधि प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश 15 महीने में जो कांग्रेस की सरकार बनी सारे विकास कार्य ठप हो गए, लेकिन पुनः ऊपर वाले ने चमत्कार किया, भाजपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने और माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से और यहाँ की वार्ड की पार्षद श्रीमती कमला दुबे जी के अथक प्रयासों से आज आपने देखा यहाँ पर भूमि पूजन भी हुआ है और कल आने वाले दिनों में बेहतरीन सीसी सड़क भी आप हम सबको देखने को मिलेगी, इससे पूरे यहाँ के आवागमन आम जनता को इसका लाभ होने वाला। वार्ड नंबर 4 में 6 कार्यों का भूमि पूजन हुआ है, ये यहाँ की जनता की बहुत पुरानी मांगे थी। बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये सभी नए काम स्वीकृत किए गए हैं, गुणवत्ता इनकी देखते हुए बहुत अच्छे से इन कार्यों को करवाया जाएगा और यहाँ की जनता को जिसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से विकास का कार्य है, बाढ़ में नाली रोड की आवश्यकता है और मध्यप्रदेश शासन ने उमरिया नगर पालिका के विकास के लिए वार्डों में जिस प्रकार से योजना बनाई है, नगर पालिका परिषद का मैं सराहनीय योगदान मानता हूं और इस काम की जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं इसको जिम्मेदारी से निर्वाह करूंगा, ये मेरा दायित्व होगा। आज उमरिया नगर में 4 जगह भूमि पूजन था और 10 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन हुआ, इसके 2 दिन पहले भी भूमि पूजन हुए थे। उमरिया नगर में विकास की बहार बह रही है, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में उमरिया नगर जो है विकास कर रहा है, नाली रोड रपटा पुलिया सब का काम जो है विधायक जी के द्वारा भूमि पूजन करके हमारे वार्डों में किसी नाली निर्माण के कार्यों का पूजन किया जा रहा है माननीय विधायक जी के आदेश में। आज साथी मार्ग का किया गया पूजन और आज 4 जगहों पर किया जा रहा है, जिसमें दूसरी जगह यहाँ पे वार्ड में है वजीलगंज वार्ड में, इसके बाद 2 जगह और वार्ड नंबर 9 में किया जा रहा है। इस प्रकार से निरंतर सभी और गणमान्य नागरिक और माननीय विधायक जी मुख्य अतिथि में, ये पुराना वार्ड नंबर 9 है और वर्तमान में 11 नंबर के अंतर्गत आता है, जो अप्रोच रोड थी हमारी छूटी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्राथमिकता के साथ अप्रोच रोड को जोड़ने का काम किया है, जिसका भूमि पूजन आज निर्धारण कार्यक्रम के अनुसार किया जाना है, जिसका हमारे सम्माननीय बांधवगढ़ विधानसभा के विधायक श्री शिव नारायण सिंह जी उपस्थित होकर अभी कार्यक्रम सम्पन्न करेंगे और हम सब उनके साथ सहयोग करेंगे। कई वर्षों से इस सड़क को बनना था, लेकिन आज वो समय आया कि हम सब ये आशीर्वाद हम शुरू यहाँ की पार्षद महोदया के तक प्रयास से इस सड़क का निर्माण होने जा रहा है। ये वार्डवासियों के लिए बहुत ही करेंगे अनुभव करेंगे और इस सड़क के बन जाने से लोगों के आवागमन में सुविधा होगी और बहुत जल्दी सड़क बनकर तैयार होगी, जिससे लोगों को सहूलियत हुई आने जाए।